गुआवा एक बहुत ही पॉपुलर और इसके साथ साथ इजी टू ग्रो फ्रूट प्लांट है। गुआवा के पौधे को आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से पॉट में ग्रो कर सकते हैं और इसके साथ साथ इस पौधे से ढेर सारे फ्रूट्स हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 5 केयर टिप्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है जो मैं इस वीडियो के आगे बताऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे गुआवा के पौधे के लिए खास 5 केयर टिप्स, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा और इसके साथ साथ आपके पौधे में ढेर सारे गुआवा लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉट में ढेर सारे गुआवास ग्रो करने के लिए जो पहला इम्पॉर्टेंट केयर टिप है वो है एक अच्छा वैरायटी के पौधे को ग्रो करना, क्योंकि हर वैरायटी के पौधे में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता, इसीलिए एक अच्छा वैरायटी चूज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप ये जो पौधा देख रहे हैं ये एक थाई फाइव वैरायटी का पौधा है। थाई फाइव, थाई सेवन, ताइवान पिंक, वियना, ये सभी अच्छे वैरायटी के गुआवा के पौधे हैं। आप इनको अपने घर पर ग्रो कीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और अच्छे वैरायटी के नाम मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर चेक कीजिएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट केयर टिप है सही साइज का पॉट और सही पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल करना। अक्सर नर्सरी से खरीद के लाने के बाद हम पौधे को बड़े साइज के पॉट में डायरेक्टली शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन अपने पौधे के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए नर्सरी से खरीद के लाने के बाद आप पौधे को हमेशा सबसे पहले एक छोटे साइज के पॉट में ग्रो कीजिए, जैसे कि 8 इंच या फिर 10 इंच या फिर मैक्सिमम 12 इंच। उसके बाद जब आपका पौधा ठीक से ग्रो करने लगेगा उसके बाद आप इसको हाफ ड्राम में ट्रांसफर कीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके पौधे में ढेर सारे गुआवास लगेंगे। अब हम बात करते हैं गुआवा के पौधे के लिए बेस्ट पॉटिंग मिक्स के बारे में। इसके लिए आप 60% गार्डन सॉइल और उसके साथ 40% कंपोस्ट अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इसके साथ आप चाहे तो एक पार्ट कोकोपीट मिला सकते हैं। इस पॉटिंग मिक्स में आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और आपके पौधे में ढेर सारे फ्लावर्स और फ्रूट्स लगेंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट केयर टिप है आप अपने गुआवा के पौधे को हमेशा फुल सनलाइट में ग्रो कीजिए। गुआवा एक फल का पौधा है और फल के पौधे को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है, इसीलिए आप अपने पौधे को हमेशा फुल सनलाइट में ग्रो कीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे आपके पौधे का ग्रोथ भी अच्छा होगा और इसके साथ साथ आपके पौधे में ढेर सारे फ्रूट्स भी लगेंगे। चौथा इम्पॉर्टेंट केयर टिप है पौधे में एक अच्छा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना। इसके लिए आप ये ऑर्गेनिक मिक्स्ड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 4 इंग्रेडिएंट्स मिला के आप ये फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और आपके पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले ही चैनल पर वीडियो बना के रखा है, ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इस फर्टिलाइज़र का वीडियो देख सकते हैं और इस फर्टिलाइज़र को बना के आपके पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुआवा के पौधे के लिए 5वां इम्पॉर्टेंट केयर टिप है आप अपने पौधे में हर 15 दिन में एक बार ज़रूर नीम ऑयल स्प्रे कीजिए। इससे आपके पौधे में किसी भी कीड़े का अटैक होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा और आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और इसके साथ साथ हर महीने एक बार ज़रूर आपके पौधे में एक अच्छा फंगीसाइड जैसे कि सांप स्प्रे कीजिए, इससे आपके पौधे में फंगल अटैक होने का चांस भी बहुत ही कम हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक इम्पॉर्टेंट केयर टिप है पानी। आप आपके पौधे में हमेशा सोच समझ के पानी दीजिएगा। एक बार अच्छी तरीके से भरपूर पानी देने के बाद दोबारा जब तक आपके पौधे का मिट्टी ऊपर से 1 इंच अंदर तक नहीं सूख जाएगा तब तक आप दोबारा आपके पौधे में पानी मत दीजिएगा। अगर आप इस तरीके से पानी देंगे तो आपके पौधे में पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे।
यही था आज का वीडियो गुआवा प्लांट के लिए 5 इम्पॉर्टेंट केयर टिप्स के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।